है, यानी मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरा बैग उठा लेते हैं, भास्कर आप बहुत हम्बल होते हैं, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर दें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है. ऑल्दो दी सेंटेंसेस हैव द पास्ट कंटीन्यूअस फॉर्म, दे अप्लाई टू द प्रेजेंट मोमेंट. अगर मैं कहता हूं आई वॉज जस्ट वंडरिंग इफ यू कुड गिव मी सम मनी, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें, अब ये प्रेजेंट में होगा, बेशक जो वर्ब्स यूज कर रहे हैं वो पास्ट के हैं, लेकिन इंग्लिश जबान में इसको आप प्रेजेंट में यूज करते हैं. Their meaning is similar to the could you sentence, but they are more polite. Structure was, were, aur uske baad ing form of the verb. Examples. At 3 PM, I was having lunch. 3 baje main lunch kar raha tha. Ab jab aap ye kehte hain ki main 3 baje lunch kar raha tha, iska matlab hai lunch shuru hua hoga 2:50 pe ya 2:45 pe. 3 baje kya tha? When you were in the middle of doing something in the past, that is past continuous. अब अगर आप ये कहते हैं आई वॉज स्लीपिंग एट 9 o'clock, कि मैं 9 बजे सो रहा था, इसका मतलब है सोने का अमल शुरू 9 बजे से पहले हुआ. बेशक शायद 8:30 बजे, शायद 8 बजे आप सो गए और 9 बजे आप उस एक्शन के दरमियान में थे. Yesterday at this time Steven Seagal was riding a horse. कल इस वक्त Steven Seagal घोड़ा चला रहा था. आप कह सकते हैं Yesterday at this time I was chatting with my friend. कल इस वक्त मैं अपने दोस्त से गपशप कर रहा था. जॉन वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट व्हेन ही सॉ अ स्पाइडर. अब क्या इंटरप्टेड एक्शन? जॉन सिगरेट पी रहा था, कंटिन्यूस एक्शन. व्हेन ही सॉ अ स्पाइडर, यहां पे क्या हुआ, एक एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया. इसी तरह आप कह सकते हैं आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात जब आपने मुझे फोन किया तो मैं सो रहा था. क्वेश्चंस में आप वॉज वर्ब को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट एंड देन आईएनजी फॉर्म. Was she going to the theater when it started raining? जब बारिश होना शुरू हुई तो क्या वो थिएटर जा रही थी? Were they playing cricket when you reached? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे जब आप वहां पहुंचे? देखिए when you reached वो एक एक्शन है, उसको इंटरप्ट कर रहा है. Were they playing? सेम एज अगर मैं कहूं were you listening to music when I called you? क्या आप मौसीकी सुन रहे थे जब मैंने आपको फोन किया? Negative senses में was not, were not और बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह से ing फॉर्म के साथ. He asked me why I wasn't having dinner at the hotel. उसने मुझसे पूछा कि मैं होटल में डिनर क्यों नहीं कर रहा था. His cigar was irritating me. उसका सिगार मुझे इरिटेट कर रहा था. Past continuous tense. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of simple past and past continuous. For example, I was sleeping when you called me. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जहां पे past indefinite और past continuous को आप मिलाएंगे. इन sentences को आप लिख भी सकते हैं या बोल के भी बना सकते हैं. I was sleeping when you called me. मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया. She was studying when I met her. कि वो पढ़ रही थी जब मैं उससे मिला. Past perfect tense. In English language, past perfect tense is commonly used. It has got its own uses. बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्ज करें माजी में दो वाक्यात रुनुमा हुए. एक वाक्यात 6 बजे हुआ और एक वाक्यात 5 बजे हुआ. ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी एक्शंस राइट वन आफ्टर अदर, यानी वो एक्शंस नहीं है कि जी सीरीज ऑफ एक्शन है. सीरीज क्या होता है कि एक एक्शन के बाद दूसरा, वो नहीं है. मैं बात कर रहा हूं कि माजी में दो वाक्यात रूनुमा हुए, एक 6 बजे और दूसरा 5 बजे. अब आप मुझे आके वो दोनों वाक्यात बताते हैं और मुझे आपने बताना इस तरह से है कि वो जो पिछला वाक्य है उसका मुझे अंदाजा हो जाए कि पहले कौन सा वाक्य हुआ. वाक्य क्या हुआ, आपने एक ट्रेन पकड़ना थी. आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए. ट्रेन का टाइम था 7 बजे. आप रेलवे स्टेशन पहुंचे 7:30 बजे. जब आप 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी. अब आप इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? When I reached the railway station, past indefinite tense, क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ. When I reached the railway station at 7:30, the train had left. गाड़ी जा चुकी थी. अब देखिए आप 7:30 पे पहुंचे, ट्रेन 7 बजे चली गई. So when I reached the railway station at 7:30, the train had left. गाड़ी जा चुकी थी. बिल्कुल इसी तरह when I reached
द फंक्शन हैड स्टार्टेड, जब मैं पहुंचा फंक्शन शुरू हो चुका था. अब आप पहुंचे होंगे कोई तकरीबन 9 बजे फंक्शन शुरू हुआ 7 बजे. सो व्हेन आई रीच्ड द फंक्शन हैड स्टार्टेड. आइए देखते हैं. द पास्ट परफेक्ट इज क्वाइट सिंपल एंड यूजफुल. वी यूज इट टू शो दैट वन एक्शन इन द पास्ट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्टिविटी इन द पास्ट, दिस इज द यूज ऑफ इट. द पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज in a number of expressions like these. I wish, कहते ना काश, I'd rather, इसकी बजाय, as if, जैसा के, दो गर्चे, and if only, अगर सिर्फ, I wish I hadn't gone there, काश मैं उधर ना गया होता. बस को तब कहते ना काश मैंने ऐसा ना किया होता. I wish I hadn't done that. I'd rather seen it for myself, इससे अच्छा था कि मैं खुद इसे देख लेता. John looked, John यू दिखाई दिया, as if he had done something terrible, जैसा कि उसने कुछ भयानक किया था. Positive sentences में subject, had और उसके बाद third form. Mr. Johnson had read the document carefully. Mr. Johnson document को बहुत एहतियात से पढ़ चुके थे before he signed it, इससे पहले कि उन्होंने इसको sign किया. Before I was born, मेरे पैदा होने से पहले, my grandfather had gone to war, मेरे grandfather जंग पे जा चुके थे. When we arrived, the concert had already finished. जब हम पहुंचे तो concert पहले ही खत्म हो चुका था. अब आप लोग पहुंचे concert में 12 बजे, concert खत्म हो गया 11 बजे. तो क्या हुआ? When we arrived, the concert had already finished. Questions में had शुरू में आ जाएगा और फिर subject और past participle, यानी के third form of the verb. Had he known some words before he started learning English? English सीखना शुरू करने से पहले क्या वो कुछ अल्फाज जानता था? Had they had any pet before they bought the giraffe? Giraffe या जराफा खरीदने से पहले क्या वो कोई और पालतू जानवर रख चुके थे? Negative sentences में had not और उसकी contraction है hadn't, वो हम use करेंगे. I hadn't seen Berlin before I flew there in the summer. यानी गर्मियों में बर्लिन जाने से पहले मैंने बर्लिन नहीं देखा था या मैं बर्लिन नहीं देख चुका था. Brenda didn't call me before her plane had landed. Brenda ने मुझे फोन नहीं किया इससे पहले कि उसका जहाज पहुंच चुका था. जहाज पहुंचने से पहले उसने मुझे फोन नहीं किया. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of past simple and past perfect. For example, when I reached home, my family members had slept. जब मैं घर पहुंचा, मेरे family members सो चुके थे. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जिसमें past indefinite और past perfect को आप join करेंगे. The train had left before I reached the railway station. गाड़ी जा चुकी थी इससे पहले कि मैं railway station पहुंचा.